हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक्सेल ट्रिक्स में। आज हम एक खास फॉर्मूला करने जा रहे हैं जिसका नाम है वी लुकअप, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। हम डे टू डे लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले को। तो चलिए सीखते हैं वी लुकअप। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, ये वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला एवर इन एम एस एक्सेल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए सीखते हैं हम इस फॉर्मूले को। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि वी लुकअप काम कैसे करता है, ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। बेसिकली वी लुकअप चार चीजों को मिला के बना है, आप देखेंगे। इज इक्वल टू वी लुकअप फॉर्मूले का नाम है। पहला जो चीज़ है आपका लुकअप वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जिसको हम ढूंढने जा रहे हैं। टेबल एरे एक ऐसा जगह जहाँ पे हम उस चीज़ को ढूंढने जा रहे हैं। कॉलम इंडेक्स एक ऐसा सेल्फ या रैक या जो भी कह सकते हैं जहाँ पे वो चीज़ जो हम ढूंढने जा रहे हैं वो होगा। और फाइनली एग्जैक्ट या अप्रॉक्स, जब हम ढूंढते हैं कोई चीज़ तो हो सकता है एग्जैक्ट जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं हमें वही मिले, या उसके आसपास का कोई चीज़ मिल जाए जो उसी जैसा हो सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया एक किताब, मान लीजिए हमने एक इस तरीके की किताब ढूंढने जा रहे हैं, तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या हो गया, ये बुक हो गया, क्योंकि हम इस चीज़ को ढूंढने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप आ गया हमारा लुकअप वैल्यू। अगला स्टेप है हम उसको कहाँ ढूंढने जा रहे हैं, टेबल एरे। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं टेबल एरे, अगला स्टेप मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे सारी बहुत सारी इसी तरीके की चीज़ें रखी गई हों। एक तरीके से हम इसे वेयर हाउस भी कह सकते हैं, जहाँ पे हमारा डेटा रखा गया हो। उसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स। अब जब हम उस जगह पहुँच जाएँ तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कौन से सेल्फ में वो चीज़ रखी हुई है। अगर ये बुक है तो इन सारे सेल्फ में से किस सेल्फ में रखी गई, तो वो होता है कॉलम इंडेक्स से हमें इस फॉर्मूले को बताना पड़ता है। और आखिरी जो स्टेप होता है वो होता है कि मान लीजिए हम उस सेल्फ में गए और हमें अगर वैसा ही हूबहू चाहिए तो हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं। और अगर मुझे लगता है कि नहीं चलो इसके आसपास ऐसा ही कुछ बुक मिल जाए या ऐसा ही कुछ आइटम मिल जाए तो हम उसे अप्रॉक्स वैल्यू भी इंडिकेट कर देते हैं, कंप्यूटर को बता देते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए हम जीरो का इस्तेमाल करते हैं और अप्रॉक्स को इंडिकेट करने के लिए वन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम छोटा सा एक वी लुकअप को समझ रहे थे कि किस तरीके से ये काम करता है। चलिए प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है वी लुकअप। बहुत सिंपल सा एक फाइल हमने क्रिएट किया, आप देखिए जैसे ये रॉ डेटा हमने बनाया, ये मान लीजिए बहुत सारे सिटीज़ हैं यहाँ पे और उनकी करस्पॉन्डिंग स्टेट्स हैं कि जो भी सिटीज़ है उसके अगेंस्ट जो भी स्टेट से वो बिलोंग करता है वो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे रख लिया है। देख पा रहे हैं ये पूरा हमारा रॉ डेटा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें कुछ सिटीज़, उन पूरे लिस्ट में से हमें इन कुछ सिटीज़ में का स्टेट पता करना है, हमें नहीं पता, या तो हम फाइंड से पता कर सकते हैं बट उसमें बहुत समय लगेगा, तो इसलिए हम वी लुकअप की मदद ले सकते हैं क्योंकि हम कोई चीज़ सर्च करा रहे हैं। तो चलिए इसको करने के लिए, जैसा मैंने बताया था आपको, इज इक्वल टू वी लुकअप फॉर्मूले का नाम, स्मॉल ब्रैकेट से हमारा फॉर्मूला चालू हो गया। पहला जो चीज़ था लुकअप वैल्यू, एक ऐसी चीज़ जिसको हम सर्च करने जा रहे हैं। हम क्या सर्च करने जा रहे हैं, ये वाला चीज़ यानी कि ये सिटी। उसके बाद हर फेज के बाद, जैसे चार फेजेस हैं, हर फेज के बाद आपको कॉमा कंपलसरी है देना। तो चलो हमने पहले फेज के बाद कॉमा दे दिया। अब दूसरा चीज़ आ गया टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब वो जगह जहाँ पे आपकी पूरी की पूरी ये वाली इंफॉर्मेशन रखी गई है। तो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी गई है, इस शीट में, तो हम इस शीट को रेफर करेंगे। अब इस शीट में आने के बाद हमें चूज करना होगा कि वो चीज़ कहाँ से शुरू हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे हेडिंग देखिए, अगर मैं इसको स्टार्ट में लेके जाऊँ, यहाँ पे मिल रहा है हमें, जहाँ पे भी वो आइटम मिले
आपका स्टार्ट पॉइंट वही होता है। जैसे हमने यहाँ पे, अब क्योंकि हमें नहीं पता है इस पूरे ऊपर से नीचे के लिस्ट में कहाँ पे है वो सिटी, कहाँ पे है वो आइटम, तो हम सिंपली क्या करते हैं, टॉप का जो ये कॉलम आपको दिख रहा है उसको सेलेक्ट करते हैं, क्लिक कर देते हैं, और वहाँ से हमें जहाँ भी, जहाँ तक की चीज़ें चाहिए, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें स्टेट चाहिए था, तो हमारा शुरुआत यहाँ से हुआ और ख़त्म यहाँ पे हो गया। मान लीजिए कुछ और भी इन्फॉर्मेशन होता जो आगे तक जा रहा होता, तो हम आगे तक बढ़ना पड़ता हमें, ठीक है। तो हमें ये कंप्यूटर को बताने की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया हमारी ज़रूरत, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्टेट चाहिए था। तो अब देखिए ये घेरा बना हुआ दिख रहा है आपको, बेसिकली ये रेंज ले रहा है टेबल एरे का, कंप्यूटर को बता दे रहा है कि ये इतने दूर में ही आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इसके बाद अगला पड़ाव आ गया कॉमा, कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है कॉलम नंबर वन, तो कॉलम नंबर वन सिटी हम ये तो नहीं ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे स्टेट। तो कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, टू पे हमारी जो खोज थी वो ख़त्म हो रही है, तो हमने यहाँ पे टू लिखा। उसके बाद अगले फेज में जाने के लिए फिर से हमने लिखा कॉमा। अब यहाँ पे आखिरी स्टेप जो आता है जीरो, मतलब एग्जैक्ट मैच। इस एग्जैक्ट मैच के लिए आपको जीरो टाइप करोगे तो काम हो जाएगा, और अगर आपको लगता है कि अप्रॉक्स वैल्यू कुछ चाहिए, अगर मान लो ये स्टेट के जगह हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढ रहे होते, मान लो 10,000 कोई वैल्यू होता उसको ढूंढ रहे होते, और अगर हमें उसके आसपास भी मिल जाता 9,980, 990, तो ऐसे केसेस में हम वन का इस्तेमाल करते, जब हम श्योर नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं है, तो हम अप्रॉक्स वैल्यू के आसपास भी सर्च करा सकते हैं। तो जनरली हम लोग वन यूज़ करते हैं अगर हमें पता होता कि हम अप्रॉक्स सर्च करा रहे हैं, और हम, क्योंकि हमें पता है कि हमें एग्जैक्ट सर्च कराना है, तो हमने यहाँ पे जीरो टाइप किया। बस आखिरी काम ब्रैकेट को क्लोज करना और एंटर टाइप करना। देखिए जैसे हमने एंटर टाइप किया, ये हमारा फॉर्मूला काम कर गया, और बस सिंपल एक का आंसर आ गया तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपका सारा का सारा आंसर आ जाएगा इजीली। अब देखिए ये जो भी सिटी है आपको उसके अगेंस्ट जो भी स्टेट है आसानी से आपने सर्च कर लिया बहुत ही कम समय में। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एक दो बार देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस फाइल भी मैंने आपको इस वीडियो के साथ डाउन लिंक में दे दिया है, तो आप आराम से इसको कीजिए, समझिए, ठीक है। और अगर ठीक लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी नए वीडियोज आएंगे आपको पता चलते रहेगा सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं इस चैनल को, क्योंकि ये फ्री है तो कोई इशू नहीं है। और नेक्स्ट, अगर किसी को आप चाहते हैं कि कोई और भी इससे फ़ायदा उठाए, तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।